मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ईवीएम पर फिर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने इसके लिए छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया है, जहां अभी हाल ही में हुए निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग को गलत बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि अभी तक ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव इसलिए चाहते हैं ताकि उसके माध्यम से वहां गड़बड़ियां की जा सकें। जब चुनाव ईवीएम से होते हैं तो किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो उसमें गड़बड़ियों की पूरी गुंजाइश होती है। इतना ही नहीं, राकेश सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से भयभीत है। विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ और एक के बाद एक देशहित के फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में घबराई हुई है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले की एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है। जनता के मन में बहुत आक्रोश है, पूरी तरीके से भयभीत है। विधानसभा चुनाव के थोड़े ही दिनों के बाद जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और जिस तरह से कांग्रेस का सूपड़ा उसमें साफ हुआ और एक के बाद एक देशहित के जो फैसले हो रहे हैं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में घबराई हुई है। उसको मालूम है कि एक भी जो उन्होंने घोषणाएं चुनाव के पहले की थी उसमें से एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता के मन में बहुत आक्रोश गुस्सा है, कांग्रेस इस बात को जान रही है और इसीलिए अभी तक ईवीएम से चुनाव हो रहे थे वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव इसलिए चाहते हैं ताकि उसके माध्यम से वो गड़बड़ियां कर सके। जब चुनाव ईवीएम से होते हैं तो किसी तरह के गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो उसमें गड़बड़ियों की भरपूर गुंजाइश होती है। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस उसमें धांधली कर सके, इसलिए वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव चाहते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हों। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी थी, लेकिन आयोग ने खारिज कर दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई थी तो कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर चुप्पी साध ली थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में एमपी में कांग्रेस को पराजय हुई तो वो फिर पुरानी मांग को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।